अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मुहर्रम के दिन चल रहे हैं और मुहर्रम में जगह जगह शरबत बनाए जाते हैं और इसकी नियाज तकसीम की जाती है। तो आज आपके लिए एक आई हूँ ऐसा शरबत जिसे पी के आपके दिल को ठंडक और रूह को तस्कीन हासिल हो जाएगी। कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ इसमें हम यूज़ नहीं करेंगे और बहुत ही मज़ेदार सा शरबत रेडी होगा ये, जिसे पी के आपको मज़ा आ जाएगा। किस तरह बनेगा, चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए मैंने 1 kg दूध ले लिया है और इसको मैंने गरम कर लिया है। गरम करने के बाद इसको मैंने ठंडा किया ताकि जो है इसके ऊपर अच्छी सी बलाई आ जाए। तो ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है, लेकिन आप चाहें तो इसमें पानी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें चीनी शामिल करेंगे हसबे ज़रूरत। तो चीनी मैं यहाँ पर तकरीबन इसमें 8 to 10 टेबल स्पून डाल रही हूँ, यानी खाने वाले चम्मच हैं। तो ये मैं डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। चीनी अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो। इसको अच्छी तरीके से आपने डिसॉल्व कर लेना है। तो देखें इसमें कितनी अच्छी सी बलाई भी आ रही है। तो बलाई के जो ये चंक्स मुँह में आते हैं ना, तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो बलाई का इस्तेमाल आप लाजमी किया करें शरबत में। इसको मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद आपने इसमें डालना है जामेशीरी। तो जामेशीरी इसमें डालेंगे तो इससे इसका फ़्लेवर जो है बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा, क्योंकि जामेशीरी का अपना जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा होता है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जामेशीरी ही इसका फ़्लेवर बहुत अच्छा कर देगा। साथ में हम इसमें शामिल करेंगे तुखमे मलंगा। तो इसके बीज आप भिगो दीजिए 1 से 2 घंटे के लिए। तो इस तरीके से ये फूल जाते हैं और जब ये फूल जाएँ तो इसको आपने इसमें शामिल करना है। ये शामिल करने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो ये जो तुखमे मलंगा होता है, गर्मियों में इसका इस्तेमाल बेस्ट होता है, गर्मी को ये दूर भगाता है। तो गर्मी के हिसाब से भी ये शरबत बहुत अच्छा है। गर्मियों में आप इसे ख़ुद पिएं, अपने बच्चों को पिलाया करें, बच्चे आपके हेल्दी होंगे, स्ट्रांग बनेंगे, तो कैल्शियम की कमी जो भी है उनमें दूर हो जाएगी। तो यहाँ इसको मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है और बाउल में निकाल के इसके ऊपर थोड़ी सी हम गार्निश करेंगे ड्राई नट्स से। तो इसमें मैंने बादाम और पिस्तों का यूज़ किया है। आप चाहें तो कोई भी ड्राई नट्स यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिए। तो इस टाइम आप इसकी जो लुक है ये चेक कीजिए, कितनी ज़बरदस्त आई है। इतना ये ज़बरदस्त शरबत बना है कि इसे जो पिएगा पीता ही चला जाएगा और तारीफ़ किए बिना ना रह पाएगा। तो ये शरबत आपने ज़रूर घर में ट्राई करना है। तो यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल को नोटिफिकेशन पे कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो अब इसको मैं डिस्पोजिबल गिलासों में निकाल रही हूँ, क्योंकि ये मुहर्रम की नियाज के लिए रेडी किया गया है। तो इसी तरह के गिलासों में इसको सर्व किया जाता है। तो यहाँ पर हम इसे गिलासों में निकाल लेंगे ठंडा करके। तो बहुत मज़ेदार सा शरबत देखें हमारा झटपट बन के रेडी हो गया। इसके ऊपर थोड़ी सी बादाम पिस्तों से गार्निश कर दीजिए और आपके ये शरबत बिल्कुल रेडी है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलूँगी आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।